मुझे ये बताइए कि पहले दिन जब आप यहाँ आए थे, फर्स्ट डे जब आपका था, दो दिन में क्लास हुई। मैंने भी सोचा यार एक महीने में कैसे सीखा, मेरे को छह महीने में ही सीखा था श्रीरामपुर में हमारे, पर इतना अच्छा नहीं सीखा था मैंने, एक महीने में कैसे पॉसिबल है ऐसे सोचा था। पर मैं दो दिन क्लास अटेंड की, मेरे को लगा बहुत सही है। राजेश सर का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को कन्फर्म सीट दी। अच्छा, अप्रैल में हो जाएगा। सर ने मेरे को कॉल किया, राज आप आ सकते हैं मार्च महीने में। मैंने बोला यस सर मैं आऊंगा। आप बहुत पहले से ट्राई कर रहे थे क्या? ट्राई किया था मैंने, बहुत मैसेज भेजे थे, मेरे दोस्त ने भी मैसेज भेजे थे, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मेरे वाइफ और सर, मैं एक बात बताऊंगा सर, मेरी वाइफ और मैंने सब ले रखे तुम्हारे। मेरी वाइफ पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में जॉब करती थी, उनको सब मालूम है। मेरे वाइफ ने भी बोला सर के पास जाओ। अच्छा, अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो दोस्तों मेरे साथ में एक स्टूडेंट है राज। राज आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, ये बताइए कि आपने एशिया टेलीकॉम को क्यों चुना मोबाइल ट्रेनिंग के लिए? आपने कहीं और क्यों नहीं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं गए, मुंबई क्यों नहीं गए, कहीं और क्यों नहीं गए, मुझे ही क्यों चुना? मैंने पहले एक सब वीडियो देखे सर, मैंने सब 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 वीडियो ओके उसमें एक वीडियो देखा था पहले, कंपोनेंट का नॉलेज ओके ये पैरेलल या सीरीज मेरे को पहली बार इधर आके पता चला। अच्छा, तो आपने मतलब वीडियो जो चुनकर आप यहाँ पर आए हो, वीडियो जो आप यहाँ पे देख कर आए थे, तो आपका यहाँ आने का जो फैसला था वो ठीक है कि नहीं है? ठीक है सर, ठीक था, मेरी बहुत इच्छा थी इधर आए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पहले दिन जब आप यहाँ आए थे, फर्स्ट डे जब आपका था, दो दिन में क्लास हुई। मैंने भी सोचा यार एक महीने में कैसे सीखा, मेरे को छह महीने में ही सीखा था श्रीरामपुर में हमारे, पर इतना अच्छा नहीं सीखा था मैंने, एक महीने में कैसे पॉसिबल है ऐसे सोचा था। पर मैं दो दिन क्लास अटेंड की, मेरे को लगा बहुत सही है। तो दो दिन के बाद में तब जाके आपने तीसरे दिन में पैसा जमा किए यहाँ पर, और अब आपका एक महीना कंप्लीट हो चुका है, अब आप जा रहे हैं, आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हुआ है, अभी आपको क्या फील होता है, क्या चेंजेस नजर आते हैं पहले और आपके दिन? मेरे को ऐसा लगता है मेरे को सब नॉलेज आए, सब नॉलेज मिला आपको, तो जो आप एक्सपेक्ट करके आए थे कि ये मुझे मिलेगा, नॉलेज नहीं था और उससे ज्यादा मिला मेरे को इधर आके। आप ये बात दिल से कह रहे हैं? बात वो दिल से सर, मैं अभी क्या, मेरे को शब्द नहीं है, मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए, इधर आके क्या मिला, कुछ नहीं मिला, क्या मिला क्या नहीं, मैं अभी बोल नहीं सकता सर। सर का एक वर्ड से पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए आदमी यहाँ पर। और हमारे तरफ से जो भी सर है, जैसे एक मैं हो गया, एक राजेश सर हो गया, राजेश सर का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को कन्फर्म सीट दी। अच्छा, कन्फर्म सीट देने के लिए? अप्रैल में हो जाएगा। सर ने मेरे को कॉल किया, राज आप आ सकते हैं मार्च महीने में। मैंने बोला यस सर मैं आऊंगा। आप बहुत पहले से ट्राई कर रहे थे क्या? ट्राई किया था मैंने, बहुत मैसेज भेजे थे, मेरे दोस्त ने भी मैसेज भेजे थे। अच्छा, तो तब जाके अब आपका हुआ, मतलब आप मेरे इंस्टीट्यूट में आने के लिए काफी दिनों से वेट कर रहे थे? बहुत वेट कर रहा था, बहुत वेट कर रहा था। ऐसा लगता था एक किसी एक्सपर्ट के पास मैं नॉलेज लूं, ऐसा मेरे को लगता। अच्छा, तो मुझे यही उम्मीद थी। मैं आपसे आखिरी बात जानना चाहता हूँ कि क्या कहना चाहोगे किसी स्टूडेंट को जो बिल्कुल अभी नया है या जो फील्ड में काम कर रहा है, जिसको अभी भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जो चाहता है कि इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे, तो क्या देखना चाहिए? जो एक्सपर्ट है उनके उनके इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, मतलब एशिया टेलीकॉम बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है मेरे ख्याल से। तो और उसके मैं आपसे बस आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप 100% सेटिस्फाई हैं यहाँ से? यस सर, बहुत सेटिस्फाई। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं बोलूँगा सर यहाँ पे जो मैं पहली बार मैं महाराष्ट्र से बाहर गया हूँ। एक बार अपना अवार्ड दिखा दीजिए जरा लोगों को, एक बार अपना अवार्ड दिखा दीजिए, ये थोड़ा ऊपर कीजिए, ये तो बताइए। पहली बार मैं महाराष्ट्र से पहली बार बाहर मतलब बाहर आई हूँ। अच्छा, 1213 किलोमीटर पहले मैं किधर था, मतलब आप एमपी में पहली बार आए? पहली बार आया। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। जब आप यहाँ ने मेरे को ने सबको बहुत प्यार दिया, खाना भी खिलाया सर ने, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। एक बात बोलना चाहता हूँ, लाइफ में मैंने पहली बार ऐसा गुरु नहीं देखा सर।
क्यों भाई ऐसा क्या है इस ग्रुप में? मैं अभी बोल नहीं सकता सर। चलिए ठीक है, तो ये जो भी कह रहे हैं आप, मुझे मैं ये समझता हूँ कि दिल से कह रहे हैं, बस मैं यही चाहूँगा कि आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ चाहते हैं वो आपको मिले, और मैं चाहता हूँ कि आप जिस भी मुकाम में जाना चाहते हैं मेहनत से जाइए और अपने मुकाम को हासिल कीजिए, तो आप देखेंगे कि जो भी पीछे छूट गया है वो सब पीछे रह गया है, अब की जो ज़िंदगी है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से बितानी है, और आपके घर वालों को आपको ज़रूर फ़ख्र होगा एक दिन। मेरी वाइफ ने मेरे को ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे वाइफ और सर मैं एक बात बताऊंगा सर, मेरी वाइफ और मैंने सब ले रखी थी माने, मेरी वाइफ पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में जॉब करती थी, उनको सब मालूम है, मेरे वाइफ ने भी बोला सर के पास जाओ। अच्छा, तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपकी वाइफ को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको सिखा सकूँ, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं यही चाहूँगा कि आगे जाके जीवन में आप सब तरक्की कीजिए और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूँगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नज़रिया चेंज है। सीरियस? हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीज़ें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज़ नहीं है, अब कन्फर्म हम काम कर सकते हैं, और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं। सही बात, पता नहीं चलता मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्यून है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। तो ऐसा भी होता है सर, फेसबुक पे आता था जो सर्किट बनाना था, अच्छा मोबाइल बनाते थे जो टेक्नीशियन लोग, तो उनको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैंने यहाँ से गए हुए तो दो तीन स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओगे तो सब कुछ बना लोगे। अच्छा, रिव्यू देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने 7 महीने सीखा पाते वो यहाँ दो दिन की डेमो क्लास में सीख लिया। हम फॉलो कर रहे हैं, हम बोल रहे सर हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोलेंगे मेरा दिल उड़ रहा है, हाँ क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी अभी मुझे घास में बोलना है कहेंगे मुझे बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं, तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है सुना जाए, तो मैंने फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया, तो फिर जब काम को चुना तो आप सेटिस्फाइड हैं सर? 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा सवाल डाल सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा इंस्टीट्यूट खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने उसका कॉन्फिडेंस कर दूँ कि मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन, हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, हाँ तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुसना ही समझ लगी इसके अंदर, हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, और भेजो मैंने। अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल, हाँ सर कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया
और मैंने यहाँ पे आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.